Are you a content writer or you want to become freelance content writer so that you can monetize your skill? Here I am with the solution. In this podcast, you will get to know the step-by-step process, how you can start your content writing journey, how you can monetize this, how you can get new ideas every single day, how you can reach to more and more people so that you will get client. We will discuss the step-by-step process from ideation to monetization. So today, I have invited my guest, seasoned wellness content writer, blogger, video content creator, and she is also having more than 10,000 followers on LinkedIn. So let's welcome Shweta and discuss more about it. Hello, Shweta. How are you? Hi, Rajan. I'm good. How are you? Awesome, awesome. How's going everything there? Just busy working and just normal working, freelancing stuff. Yeah, awesome. So, आज हम बात करने वाले हैं ना content writing journey के बारे में. How we can start our content writing journey. क्या-क्या processes होते हैं, हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम freelance content writer बन सकते हैं. So, first of all, let's start with your journey and tell us about you and about your journey. कि आपने कैसे content writing को चुना, आपने अपनी journey कैसे start की. फ्रीलांसिंग की जो प्रोफेशनल जर्नी थी वो तो पैंडेमिक के टाइम पे 2020 में स्टार्ट हुई. बट एक्चुअली में मुझे कंटेंट राइटिंग के बारे में पता लगा था व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन सेकंड ईयर. द ईयर वाज 2016. उस वक्त बिकॉज आई वेंट फॉर माय ग्रेजुएशन इन एमिटी यूनिवर्सिटी. सो एमिटी हैज दिस यू नो दे हैव दिस थिंग कि वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ रेगुलर सब्जेक्ट. नो मैटर आप कोई सा भी कोर्स चूज कर रहे हो बट बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर दे फोकस अ लॉट. सो दैट वाज लाइक देयर मेन सब्जेक्ट. तो सेकंड ईयर में देयर वाज अ बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास गोइंग ऑन जब हमारी टीचर ने शी जस्ट देयर वाज अ टॉपिक जिसके थ्रू उन्होंने कंटेंट राइटिंग का जिक्र किया और यू नो उन्होंने बताया कि ओके ऐसा भी एक प्रोफेशन है जहाँ पे यू नो यू कैन राइट एंड देन यू कैन अर्न एंड एवरीथिंग. और उस टाइम पे आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग. जैसे हर होता है ना हर नए राइटर का कि कहीं भी कुछ भी स्क्रिबल कर देना, रैंडम स्निपेट्स लिखना, वो सब शुरू किया था मैंने उस टाइम पे. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग राइटिंग बैक देन. तो उसके बाद बट थोड़ा ट्राई किया. उसके बाद मैंने उनसे जाके बात करी थी कि मैम आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट और इन दिस करियर एंड हाउ कैन आई गो फॉरवर्ड विद इट. तो उन्होंने मुझे एक एमिटी के एलुमनाई का नंबर दिया था. शी वाज रनिंग हर कंटेंट एजेंसी उस टाइम पर. तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनके लिए फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नए हो तो वी वोंट बी एबल टू पे यू बट यू हैव टू इफ यू वांट यू कैन वर्क विद अस. तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई मुझे पैसा कमाना है इस चीज से. मुझे सिर्फ ये था कि कोई मुझे सिखा दो कि कैसे होता है कि क्या क्या करना होता है. तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम मैम आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू. आई जस्ट वांट टू लर्न आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड. तो मैंने उनके लिए बस एक ही आर्टिकल लिखा था और बिकॉज आई वाज मार्केटिंग ट्रेनी एज दे से. तो एक आर्टिकल लिखा. उसके बाद इट्स जस्ट दैट थिंग्स वेंट डाउनहिल क्योंकि मैं अपने कॉलेज के यू नो नॉर्मल कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो गई थी. बिकॉज एमिटी का एक रूल ये भी है कि आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती थी. अब शायद ज्यादा हो गया आई डोंट नो. तो वहां पे उस अटेंडेंस को मेंटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क. ठीक है तो वो उस चीज में बिजी हो गई. देन एग्जाम्स आ गए. I just lost content writing somewhere on the way. उसके बाद फिर जब पैंडेमिक आया उस टाइम मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी. मेरी मास्टर्स का फाइनल ईयर था और मुझे ये था कि ठीक है मास्टर्स हो जाएगी बट उसके बाद क्या. यू नो लाइक एवरी मिडिल क्लास फैमिली माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्टेड कि यार उनको तो ये चाहिए था कि एग्जाम्स मतलब ग्रेजुएशन होते ही आई गो फॉर सम गवर्नमेंट जॉब. बट आई नेवर वांटेड इट. इट्स नॉट दैट आई डोंट रिस्पेक्ट इट. इट्स जस्ट दैट आई न्यू कि दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट फॉर माय लाइफ. तो मैंने मास्टर्स चूज करी. आई वेंट टू JNU. आई वेंट टू JNU. आई परस्यूड माय मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स. बेसिकली मैंने अपना इंग्लिश बैकग्राउंड को और कंटिन्यू किया.
पैंडेमिक आने के बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है, घर पर है, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला अभी जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है, तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड लर्निंग अबाउट कंटेंट राइटिंग ऑन यूट्यूब. सो मई 2020 में मैंने स्टार्ट किया. मई जून जुलाई 3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सर नीचे रख के अपनी नोटबुक्स निकाली, यूट्यूब पर चैनल्स को सर्च करा, और आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग. मुझे जो मिलता था, जहां से मिलता था, आई स्टार्टेड लर्निंग. और उसके बाद बहुत रैंडम हो रहा था, तो मैंने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल को चूज करा और मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी. लाइक लिटरली 0 से लेके वहां पे 99 या 98 वीडियोस थी उस वक्त. और मैंने रोज एक एक दो दो वीडियोस देखी, उसके नोट्स बनाए कैसे क्या चीज होती है, कोल्ड पिचिंग क्या होती है, और लिंक्डइन का यूज कैसे आता है, यू नो, इन सब चीजों में. एंड पोर्टफोलियो बनाना क्या होता है, और गेस्ट पोस्ट कैसे करते हैं, मैंने सब सीखा वहां से, यूट्यूब से. उसके बाद अगस्त में मैंने अपना ब्लॉग लॉन्च किया एंड आई वेंट ऑल इन कि भाई मुझे पिच करना है लोगों को. सितंबर में पिच करना स्टार्ट किया, साइड बाय साइड में अपने ब्लॉग्स लिखती थी अपने वेबसाइट पे. ब्लॉग्स इसलिए लिख रही थी क्योंकि ब्लॉगिंग वॉज लाइक अ लॉन्ग टर्म गोल, कि शुरू में तो चलो पोर्टफोलियो का काम करेगा, बट एक बार जब फ्रीलांसिंग में स्टेबल हो जाऊंगी तब इस ब्लॉग को भी मोनेटाइज करूंगी फ्यूचर में. अभी नहीं, अभी सब इसे इसलिए यूज करना है कि मैं उन आर्टिकल्स को अपने लिंक्डइन पे यूज करके उन्हें फीचर कर सकूं, लोगों को दिखा सकूं कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग दिस टॉपिक. 6 महीने पिच किया, कोई क्लाइंट नहीं मिला. इंस्टाग्राम पे भी कंटिन्यूसली कंटेंट बना रही थी, तो वहां से रैंडमली एक फोटोग्राफी पेज ने मुझे कांटेक्ट किया कि वी वांट यू टू राइट आवर इंस्टाग्राम कैप्शंस, ये वो. सो मुझे 650 रुपये मिले थे उस चीज के लिए. मैंने उनके 2 महीने के इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखे थे, दो या पता नहीं 1 महीने के, अब तो मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने 1 महीने के, हाँ 1 महीने के इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखे थे उनके लिए. तो मेरी पहली अर्निंग थी वो थी 650 रुपये फ्रॉम एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर. पोस्ट उसके बाद पर पोस्ट नहीं, ओके 1 महीने के सारे कैप्शंस के लिए. ओके तो उसके बाद फिर जनवरी में जाके, बिकॉज आई वाज कंटिन्यूअसली पिचिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन एंड कनेक्टिंग विद पीपल ऑन लिंक्डइन, जनवरी 2021 में जाके मुझे मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला. दे वर अ स्टार्टअप बेस्ड इन सिंगापुर, और मैंने उनके साथ फिर 1 साल काम किया. अभी जनवरी 2022 तक आई वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग विद देम. वी वर देवर माय लॉन्गेस्ट रिटेनिंग क्लाइंट. तो उनके साथ काम किया, फिर ऑब्वियसली उस 2021 में अलोंग द लाइंस और क्लाइंट्स आने लगे धीरे धीरे. फिर मैंने, मेरा फोकस ये था कि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स से ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, दे पे मोर. ठीक है, इंडिया में कंटेंट राइटिंग इट्स स्टिल अ लिटिल लुक डाउन अपॉन. ठीक है, यहाँ पे पीपल आर लाइक यार लिखना ही तो है, क्या जा रहा है, ये तो हम भी लिख सकते हैं. एंड आई स्टिल गेट दैट. 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, बट फिर भी आई गेट दोस क्लाइंट जो बोलते हैं कि वी जस्ट वांटेड टू राइट अ फ्यू वर्ड्स, और सिर्फ इतना ही काम है ये, बट आई डोंट वर्क विद दैट काइंड ऑफ पीपल. सो ऐसे वो शुरू हुई थी मेरी राइटिंग जर्नी. अभी जब व्हेन आई लुक बैक तो इट्स ऑल इजी कि हाँ ठीक है टाइम निकल गया, बट उस मोमेंट में व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग कि यार 6 महीने हो गए एक भी क्लाइंट नहीं मिला, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज. बट ठीक है, मुझे ये पता था कि पैंडेमिक में है, बाहर तो वैसे भी नहीं जाने वाले, कुछ और करना नहीं है. तो नेट की प्रिपरेशन भी करी थी, जैसे मोस्ट पीपल यू नो डू, कि भाई मास्टर्स कर लिए तो PhD कर लेते हैं, वो सब भी बहुत, मतलब हाथ पैर हर जगह हमारे, बट मन कहीं नहीं लगा, मन सिर्फ इसी काम में लगा था. तो जब एक बार मन लग गया तो पता चल गया कि भाई यही है, यही चीज है जिसको करने में मजा आता है. एंड द बॉटम लाइन इज कि जब आपको ऐसा कोई काम मिल जाता है ना जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, जैसे करने में आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, देन इट डजेंट सीम्स लाइक वर्क. आई मीन यस, मैं ग्लोरीफाई नहीं करूंगी, आई विल नॉट गिव यू रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ बहुत रोजी रोजी है, नहीं. इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन. वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम, सो आई डू गेट टायर्ड कि भाई पूरा दिन वो एक मोनोटोनस एनवायरमेंट बन जाता है कि रोज सुबह उठो, सेम रूम में बैठो, लैपटॉप के साथ काम करो, सो जाओ, वो होता है. बट आई हैव इट हैज इट्स ओन गुड एंड बैड फॉर लाइक यू नो जस्ट लाइक एवरी अदर प्रोफेशन.
बट ये है कि अब व्हेन आई लुक बैक आई एम जस्ट थैंकफुल कि मैंने गिव अप नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन फ्रीलांस ऑन लिंक्डइन जो कंटेंट क्रिएशन में दे स्टेप्ड इनटू इट और उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड अलोंग द लाइंस मेनी ऑफ देम गिव अप क्योंकि उस टाइम पे कई लोग ऐसे थे जिनसे बात होनी शुरू हुई थी, एंड नाउ व्हेन आई सी दे आर डूइंग देयर फुल टाइम जॉब्स और दे आर डूइंग समथिंग एल्स एंड इट्स ओके प्रोबेबली दैट इज व्हाट दे फाइंड राइट फॉर देमसेल्व्स। बट मुझे ये था कि यार नहीं, मुझे पता है इस प्रोफेशन में अगर घुस गई और अगर लगी रही तो मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और हो गया, थैंकफुली हो रहा है। सो इट्स बीन 2 years एंड थिंग्स आर गोइंग गुड, एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, जैसे मैंने सोचा था कि भाई एक बार फ्रीलांसिंग स्टेबल हो जाए तो ब्लॉग मोनिटाइज करूंगी 2 साल बाद, अब आई एम इन द प्रोसेस कि मैं अपना ब्लॉग भी मोनिटाइज कर रही हूँ इस साल धीरे धीरे। सो या इट्स ऑल गुड नाउ, इसी तरीके से मैंने हाँ, स्टार्ट किया था। व्हाट ए ग्रेट जर्नी। और पता है, अच्छा लगता है ना जब हम बहुत सारी चीजों में ट्राई करते हैं और अंत में उसी चीज पे आते हैं जो हमें अच्छा लगता है और वही हम करते हैं। और खास करके जब जब उससे है ना अपनी लिविंग्स भी ले सकते हैं, अपना मॉनेटरी इनकम भी उससे जनरेट कर सकते हैं। सो हाउ वाज योर यस एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट अर्निंग? कैसा लगा था जब आपने वो फर्स्ट मंथ का वो 650 मिले थे? आई वुड बी ऑनेस्ट, मुझे ये था कि यार मुझे इतने कम में तो गुजारा नहीं करना, मुझे आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे पता था कि भाई बिकॉज जो मैंने यूट्यूब पे देखा था एंड आई न्यू कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, नॉट जस्ट कि मतलब, बट मेरा ये था कि मैंने अपना जो लर्निंग थी आई टुक इट मोर फ्रॉम द अमेरिकन राइटर्स, क्योंकि सिंपल सी बात है मुझे ग्रो करना था, मुझे उनके मार्केट में टैप करना था, क्योंकि इंडियन मार्केट्स बिगनर्स उनको इतना पे नहीं करते, वो आपकी वैल्यू तब करते हैं जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस या फिर कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है और तब वो आपको उस लेवल का पे करते हैं। बट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी डिफरेंस जो आप डॉलर्स में जब आप अर्न करते हो तो वो रुपीज में आते आते इट इट बिकम्स अ गुड अमाउंट, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, अच्छा है, और ठीक है, इट वाज लाइक अ स्टेडी स्टार्ट कि चलो हो गया है शुरू। बट उस शुरू होने के बाद भी मुझे अक्टूबर में शायद ही प्रोजेक्ट मिला था और जो मैंने एक हफ्ते में ही खत्म कर दिया था, तो उसके बाद भी मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मिड जनवरी 2.5 महीना और लग गया था इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करने में। तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट जब आया था और उससे जो मैंने 17,000 रुपए कमाए थे फॉर 4 ब्लॉग्स, दैट वॉज लाइक वे मोर देन द एक्सपेक्टेशन लिविंग इन इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है 0.5 पर वर्ड, पैसे पर वर्ड, 1 पैसे, 1 पैसा पर वर्ड, 2 पैसा पर वर्ड, 10 पैसा पर वर्ड, ये पैसा वाला चीजें चल रही थी यहाँ पे, एंड दे स्टिल आर अराउंड बिकॉज आई सी पीपल पोस्टिंग, आई सी माई फेलो राइटर्स शेयरिंग द स्टोरीज ऑन लिंक्डइन की भाई वी गॉट अक्रॉस अ प्रोस्पेक्ट जिन्होंने बोला कि आपको हम आपको 25 पैसे पर वर्ड पे करेंगे, 50 पैसे पर वर्ड। तो मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि बॉस पर वर्ड के बेसिस पे तो काम ही नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो एंड देन ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते थे करती हूँ, तो दे फोकस मोर ऑन द प्रोजेक्ट रेट्स। तो फिर वहां से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट रेट। तो मेरा पहला लेजिट जो इनकम था वो था $60 फॉर अ ब्लॉग, मुझे $60 मिले थे 1,000 वर्ड ब्लॉग लिखने के लिए। $60 होते हैं समवट अराउंड 5,000 रुपीज, विच इज वे मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बिगिनिंग फ्रीलांस राइटर। तो मैं बहुत आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा बेटर चीज मिली है, एंड ऑब्वियसली अगर 6 महीने वेट किया है तो उसका पेशेंस का फल मिला है एट दी एंड। तो उसके बाद आई गॉट अ किक स्टार्ट, उसके बाद तो फिर क्लाइंट्स आते रहे और स्टेडिली मैं रेट्स बढ़ाती रही। अब ऐसा भी होता था कि भाई क्लाइंट्स आते थे, बात होती थी और बिल्कुल लास्ट प्रपोजल साइन, प्रपोजल वगैरह सब भेज दिया, सब डिसाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात आई तो दे वर लाइक वी कैन नॉट कंटिन्यू, वी कैन नॉट स्टार्ट इट राइट नाउ, ये वो, ये सब भी बहुत हुआ है ऑन द वे। बट लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड कि क्लाइंट्स भी मिले हैं, लोगों के साथ काम भी किया है, एंड नाउ इट्स बीन 2 years। तो अब जब मैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, अगर जैसे इंडियन क्लाइंट्स मुझसे काम करने के लिए आते हैं, तो नाउ व्हेन आई कोट माय रेट्स
ऑब्वियसली आई हैव बोथ द कैटेगरीज. कभी ये होता है कि भाई आप तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, आप तो डबल चार्ज कर रहे हो जिससे, तो मैं इनका ठीक है, अगर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू थिंक दैट माय रेट्स आर हाई, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एनीबॉडी एल्स. बट ऑन द अदर हैंड, सो आई डू गेट क्लाइंट्स जो अब मेरे रेट से अग्री भी करते हैं, लाइक उनको लगता है कि भाई हाँ आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो. बट नाउ बिकॉज आई हैव अ पोर्टफोलियो, आई हैव अ बैकग्राउंड इन द फील्ड एंड आई शो ऑल ऑफ दैट ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल, तो मेरी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे लिंक्डइन को आपका डिजिटल रियल एस्टेट बोला जाता है, तो दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि लिंक्डइन पे लोगों को दिखता है कि हाँ भाई अपने प्रोफेशनल करियर में दिस गर्ल और दिस गाय दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी में बहुत ज्यादा ऐड करता है. तो इसलिए नाउ नाउ व्हेन आई गेट दोज यू नो इंडियन क्लाइंट्स एज वेल, सो एक्सेप्ट करते हैं वो मेरे रेट्स को. रिसेंटली देर वॉज एन एक्सपीरियंस कि जहाँ पे दोनों टाइप के थे, एक ही वीक में मुझे एक एक प्रोस्पेक्ट ऐसा मिला जिसने बोला कि नो यू आर चार्जिंग वेरी मच, ये व्हाई कैन नॉट डू इट, लाइक ओके ओके नो प्रॉब्लम. ऑन द अदर हैंड 2 दिन बाद आई वाज इन अ कॉल एंड देन आई गॉट अ प्रोस्पेक्ट हु वाज लाइक यू आर चार्जिंग ट्वाइस देन व्हाट आई हैव हर्ड, बट आई विल नॉट नेगोशिएट बिकॉज आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर टू एंड आई अंडरस्टैंड इट, सो लेट्स गो अहेड विद द प्रोजेक्ट. सो देर आर बोथ टाइप्स ऑफ पीपल व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. So this is how I felt about my first income and it's been good so far, and that is Wow. what I can say. Wow, this is great, no? So yeah, so we know that how you have started and how you have started monetizing your skill. But जब बात आती है कि how somebody else can start their journey in content writing, कैसे कोई normal लेके, suppose I am a person and I want to start my content writing journey. So मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि वो क्या-क्या processes होते हैं? How can I start? देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट सबसे पहली चीज आती है आप किस चीज की बात कर रहे हो. आप राइटिंग की बात कर रहे हो ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब कुछ बाद में आता है. आप जिस स्किल को डेवलप या मोनेटाइज करने की बात कर रहे हो, उस स्किल का उतना लेवल होना चाहिए कि लोग आपको उतना पे कर पाए, बिकॉज स्टैंडर्ड रियलिटी ये है कि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन हर कोई इतनी मेहनत नहीं करता कि वो अपनी स्किल को उस लेवल तक लेकर आए. मैं आज जब व्हेन आई लुक बैक 2 years अगो, आई रीड माई ओन कॉन्टेंट एंड आई एम आई कर्स माई सेल्फ कि तूने क्या लिखा है, एंड आई आई कैन नॉट इवन बिलीव दैट देर आर पीपल हु पेड मी फॉर राइटिंग स्टफ लाइक दैट. सो वो ऐसा ग्रोथ होती है, राइट? मतलब ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से मैं अच्छा लिख रही थी, उस टाइम के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा था, बट अब क्योंकि 2 साल हो गए हैं, इतनी डेवलपमेंट हो गई है, इतना पढ़ लिया है चीजों के बारे में, इतना समझ आ गई है और इतना काम कर लिया है, तो व्हेन यू लुक बैक यू सी यू कैन रेक्टिफाई योर ओन मिस्टेक्स. सो अगर किसी को भी शुरू करना है, सो द फोरमोस्ट थिंग इज कि आप 2 चीजें करो, एक तो अपना राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करो, दूसरा आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को सेटअप करो. दीज आर लाइक द 2 basic things that I advise to any content writer or any aspiring content writer who comes to me. बिकॉज यू नो जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम इम्प्रूव हम कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बिकॉज कि जैसे मैंने अपनी जब पब्लिक स्पीकिंग और वीडियो क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, बट उस टाइम का वो मेरा बेस्ट था. अब जब मैं, जैसे आपने भी बताया कि जब मैं वापस देखता हूँ, जब जैसे आपने देखा, आई नो कि मैं ऐसा वीडियो बनाता था, मैं ऐसा बोल रहा था, जस्ट लाइक दैट. कि यार अगर आपको वो फील नहीं हो रहा ना कि आपने बहुत बेकार सा कंटेंट लिखा है आज, पिछले दिन या 1 महीने पहले या 1 साल पहले, इसका मतलब अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, और आपने अगर इम्प्रूव किया तो यू विल फील दैट कि आपने अपने वर्स्ट कंटेंट दिया है पिछले दिन या पिछले महीने, पिछले साल. इट इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, कि हम कितना लेवलअप कर रहे हैं, कितनी सोच रहे हैं कि भाई हम अपने आप को कितना अपग्रेड करें. और क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं एक कंटेंट राइटर के लिए? राइटिंग इज द फर्स्ट स्किल, अदर देन दैट. देखो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? क्योंकि चाहे आप इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे हो, आप जब कॉल पे उनके साथ बात करते हो, सो द वे यू स्पीक एंड द वे यू लुक दैट गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज ऑब्वियसली फिजिकली तो हम मिल नहीं रहे हैं किसी से अनटिल अनलेस यू टैपिंग इनटू योर ओन नेटवर्क, और आप किसी से सामने से जाके बोल रहे हो कि हाँ मैंने ये सर्विसेज शुरू करी हैं, अगर कोई हो तो मुझे बताना. बट
अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी टैप कर रहे हो तो वहां पे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज जब आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती तो ना तो आपसे कॉन्फिडेंटली बोला जाएगा और ना ही वो लोग जो बोल रहे हैं वो समझ में आएगा. बिकॉज जब व्हेन वी गेट ऑन कॉल्स विद इंटरनेशनल क्लाइंट, सो दे हैव सम ऑफ देम गेट एन एक्सेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी लंडन के क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, सो दे गेट दैट एक्सेंट, सो इट बिकम्स डिफ. सो शुरू में इट यूज टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट. आई वोंट से कि मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था, आता था, बट कभी कभी इट यूज टू, यू नो, इट यूज टू गो आउट ऑफ माई माइंड कि भाई ये बोल क्या गए. तो आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड वाइल बीइंग ऑन द कॉल्स. सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है. मेरा कम्प्लीटली इंग्लिश बैकग्राउंड है, मेरी ग्रेजुएशन लिटरेचर में है और फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी लिंग्विस्टिक्स में है. सो आई हैव अ वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सॉलिड इंग्लिश बैकग्राउंड. बट अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है और आपको फिर कंटेंट राइटर बनना है, तो राइटिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो तो ऑनलाइन दिख जाएंगी, बट आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है ना, वो आपकी उस कॉन्वर्जेशन को, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स की, जो आपकी रेट्स आ रहे हैं, आप उनको हैंडल कैसे कर रहे हो, कम है तो ज्यादा कैसे करवा रहे हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत मैटर करती है. उसके अलावा स्टार्टिंग में दीज आर द टू थिंग्स दैट विल टेक यू फॉरवर्ड. और जैसे जैसे आप डेवलप करते रहोगे, जैसे जैसे आप लर्न करोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, तो थिंग्स विल इम्प्रूव. या कम्युनिकेशन इज रियली रियली इसेंशियल फॉर एवरीबॉडी. और केवल कंटेंट राइटर की ही बात नहीं है, अगर हम किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा वे ऑफ कनेक्टिंग क्या है, वे ऑफ इंटरेक्टिंग क्या है, सो ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, अगला व्यक्ति आपकी बात को कितना समझ पा रहा है. जब तक ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, अगर आप उस बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ नोइंग ऑल दिस थिंग्स. तो हमने अब जान लिया कि कंटेंट राइटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, उसको लेवल अप कैसे कर सकते हैं. जब बात आती है कंटेंट लिखने की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लिखना क्या है, हर एक दिन हमें आइडियाज नहीं आते, हम आइडियाज लाएं कहाँ से, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ लिखना होता है, हर एक दिन सेम टॉपिक हमारे पास होती है, सेम आइडियाज होते हैं, तो हर एक दिन नया कॉन्टेंट, नया तरीका कैसे लेकर आ सकते. सी, जब मैंने लिंक्डइन पे लिखना स्टार्ट किया था, आई हैड दिस सेम वेरी क्वेश्चन कि यार लोग इतना कुछ लिख रहे हैं लिंक्डइन पे, कोई रोज नया आइडिया कहाँ से ढूंढेगा, राइट? बट द ट्रूथ इज, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब आप लिंक्डइन पे लिखना शुरू करते हो, आप खुद के पोस्ट बनाना शुरू करते हो, तो लिंक्डइन पे वहां पे इट्स लाइक नोबडी इज देयर टू जज यू, एटलीस्ट बिगिनिंग में, जब तक कोई आपको नहीं जानता, जब तक आपके कॉन्टेंट पे अट्रैक्शन आना शुरू नहीं होता, एंगेजमेंट आनी शुरू नहीं होती, तो उस वक्त में पहले तो जो मन में आता है लिखो. दैट इज लाइक द बेसिक रूल, कि अगर शुरू करने की बात है और आप हेजिटेंट हो कि भाई क्या लिखें, जो टॉपिक अच्छा लगता है, जिस टॉपिक के बारे में बात करना पसंद है, उसके ऊपर लिखो, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ आपकी हेजिटेशन दूर करनी है और आपकी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना है. तो जो समझ में आता है लिखो, लेकिन एक बार जब अट्रैक्शन आना शुरू हो जाए प्रोफाइल पे और ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तब आपका जो आइडियाज है ना, दो देर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड देन. एक तो बिकम अ गुड ऑब्जर्वर अपने आसपास, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करो and turn it into a story. That is what everyone does on LinkedIn. Every content creator that you see doing great on LinkedIn, they are good storytellers because they are good observers. तो आपके आसपास जो चीजें हैं उनको observe करो and just tell a story through them. Okay? Second चीज, अब ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपके observation skills अच्छी नहीं है, धीरे धीरे develop होंगी, तो तब क्या होगा, हमारे साथ क्या होता है, एज वी आर ह्यूमन, यू नो द ह्यूमन माइंड इज वेरी फिकल, कि उनको क्या होता है कि आइडियाज ऐसे आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं. उसमें हमारा पार्ट क्या है, वी हैव टू बी वोक इनफ कि जब वो आइडियाज आ रहे हैं ना, तो हम अपनी मेमोरी पे डिपेंडेंट ना रहे कि हाँ यार ये तो याद रहेगा. नहीं याद रहता बॉस, बिल्कुल भी याद नहीं रहता. और अगर याद करने की कोशिश करोगे तब तो बिल्कुल भी याद नहीं आएगा. सो द सोल्यूशन इज कि फोन तो अब हमारे सबके पास है ना, और ऑलमोस्ट हम हमारे साथ पूरा टाइम रहता है, तो आपका वो जो नोट पैड है ना, आपके फोन में जो नोट पैड है, मेक यूज ऑफ इट.
जो रैंडम वो 1 बजे वाले या रात के 3 बजे वाले जो आइडियाज होते हैं ना, उनको लिख लो, क्योंकि वो गायब हो जाते हैं सुबह तक और अगले दिन याद नहीं रहते. दिस इज वॉट आई डू, दिस इज वॉट आई डू. ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, मान लो कहीं किसी पार्टी में हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ बैठे हो, कुछ भी याद आ गया कि हाँ यार ये चीजें हुई, ये चीज हुई अभी अभी, और इसमें कुछ ऐसा है जो मैं लिख सकती हूँ या मैं लिख सकता हूँ, उसको नोटपैड पे लिख लो. ये नहीं कि पूरी चीज लिखनी है, बस इतना लिख लो कि तुम्हें मतलब जब तुम कल बैठो या 2 घंटे बाद बैठो तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ वो पूरी चीज क्या मुझे वीव करनी थी, या फिर मेन मेन कीवर्ड्स लिख लो उस चीज के. तो दिस इज हाउ आई सिक्योर ऑल द आइडियाज इन अ बैंक. मेरा नोटपैड मेरा आइडिया बैंक है, कि जब समझ में आ रहा है, पता है क्या लिखना है, ठीक है, लेकिन जब नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखना है, उसको खोलो, उसको ओपन करो, आई हैव आइडियाज विद मी रेडी कि मैं अब कंटेंट बना सकती हूँ. सो दिस इज हाउ कंटेंट राइटिंग वर्क्स. ऑसम। जैसे आपने बोले ना, वो भूलने वाली बात कि आइडिया जो फ्लैश की तरह आते हैं और वो तुरंत से निकल भी जाते हैं। तो मैं भी सेम करता हूँ कि जब भी मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं क्या करता हूँ, फोन में अपना कैमरा ऑन करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन। बस जैसे भी स्थिति में मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जो भी हुई, उससे क्या होता है ना कि आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं, कुछ टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आपने रिकॉर्ड कर लिया। जब भी जरूरत हो आपने सिर्फ प्ले किया और आपको आइडिया वापस से क्लिक कर गया कि हाँ भाई मैंने ये सोचा था। चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे सोने के बीच बीच में भी कभी कभी आइडिया आते हैं। रात में खुला और आइडिया कि यार ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं ऐड कर सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। तो क्योंकि हमारा माइंड ना, सबकॉन्शियस माइंड, तो जब हम कुछ इन्फो देते हैं ना, तो वो सोचता है उसके बारे में, प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग में ना बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और वो एक फ्लैश की तरह, जैसे अभी आपने बोला। So we just have to observe them. Yeah, it is a great advice. Everybody should follow. So जब बात करते हैं लिखने की, कि कुछ लिखना है हर एक दिन, आइडियाज भी हमारे पास, तो वर्ड कितने मैटर्स करते हैं, कितना लंबा लिखना है, कितना शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, या एक स्पेसिफिक वर्ड ऑफ नो, एक पैराग्राफ का एक नंबर ऑफ वर्ड होता है कि यार इतना आपको लिखना है एज ए कॉन्टेंट राइटर या वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। देखो, आई टेल यू वन थिंग, लोगों का ये बहुत गलत परसेप्शन बना हुआ है कि कोई पढ़ता नहीं है लंबे पोस्ट. ये बहुत गलत परसेप्शन है. व्हाई? बिकॉज़ अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, अगर आपके कंटेंट का फॉर्मेट अच्छा है, अगर वो दिखने में अच्छा है, बाय दिखने में अच्छा आई मीन कि अच्छे से स्पेसेस दिया हुआ है और यू हैव मेड इट अट्रैक्टिव, तो वो कितना भी लंबा कंटेंट हो, पीपल विल रीड इट. बिकॉज रिसेंटली एक कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने एक सर्वे किया था, और उनके लॉन्गेस्ट रीडिंग ब्लॉग्स, कि भाई लोग कितने लंबे ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, 5,000 वर्ड्स वाज द नंबर ऑफ ब्लॉग ब्लॉग्स दैट आर बीइंग रेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल. 5,000-5,000 वर्ड्स के ब्लॉग. सो दैट इज लाइक, एंड दिस इज नॉट सम हो एक्स, ऐसा नहीं हवा में तीर मारा, दिस इज प्योर सर्वे जो लोगों ने रीडर्स पे किया है. तो जैसे वो लोग है ना जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वैसे वो लोग भी है जिनको पूरा पूरा दिन पढ़ना अच्छा लगता है. राइट? इट जस्ट डिपेंड्स कि आप अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो और उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो. रही बात लिंक्डइन पे लिखने की, तो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे भी लिखने की, तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कैरेक्टर लिमिट होती है. लिंक्डइन की जब व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज 1300 कैरेक्टर लिमिट, कि हम 1300 वर्ड, 1300 कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड, 1300 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं. अब लिंक्डइन की कैरेक्टर लिमिट है 3000 कैरेक्टर्स. तो आप खुद सोचो, लिंक्डइन ने अपनी कैरेक्टर लिमिट 1300 से बढ़ाकर 3000 करी है, तो इसका क्या मतलब है? सिंपल, दैट पीपल आर वॉन्टिंग टू रीड लॉन्गर कॉन्टेंट एंड दे वॉन्ट टू रीड बेटर कॉन्टेंट. सो अब एज क्रिएटर्स वी हैव बेटर वी हैव बेटर एरिया टू एक्चुअली राइट मोर कंटेंट. बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना भी एक स्किल है, और अपने रीडर को उस लंबे कंटेंट पे रखना भी एक स्किल है. दोनों अलग चीजें हैं, बट दोनों मैटर करती हैं. एज अ कंटेंट राइटर कभी नीड पड़ती है कि सिर्फ एक लाइन में बोल दो या 6 शब्दों में बोल दो, कभी नीड पड़ती है कि 1,000-2,000-3,000 वर्ड्स तक में बोलना पड़ता है. सो ऐसा कोई, देयर इज नो परफेक्ट वर्ड लिमिट कि भाई दिस इज लाइक द परफेक्ट ह्यूमन माइंड रीडिंग वर्ड लिमिट कि इतना पढ़ सकता है बंदा. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा लिखते हैं, आप कितना लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपने कंटेंट के साथ। या टोटली एग्री विद यू। सो एक प्रॉब्लम और लोगों ने शेयर किया था कि
मैं जब से उनसे इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो वो बोल रहे थे यार कि मैं लिख रहा हूँ कंटेंट, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वो जो मुझे चाहिए, जो मेरा गोल है, या जो मुझे होना चाहिए मॉनेटरी इनकम, या बोल सकते हो आप एक गोल उन्होंने एक सेट कर रखा है, तो वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे मेरे साथ। और दे आर फीलिंग कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, कि क्या होगा, कैसे होगा। सो आपने जब अपना लो मोमेंट फील किया था, तो आपके आपने क्या सोचा था उस वक्त, और आपके क्या फीलिंग्स थे उस टाइम, कि सी हाउ शुड आई मैंने गेट ओवर फ्रॉम इट? हाँ सी मैंने आई टोल्ड यू कि कंटेंट, अगर आपको एक राइटर बनना है ना, कंटेंट राइटर बनना है, तो जितना आपका कंटेंट के बारे में सोचना और लिखना इम्पोर्टेंट है, उतना ही कंटेंट को कंज्यूम करना भी इम्पोर्टेंट है. इट्स नॉट अ वन वे लाइन, इट्स अ टू वे प्रोसेस. जितना सीखोगे, जितना लर्न करोगे, उतना लिख पाओगे, ठीक है? उतने आइडियाज आएंगे, उतना बेटर तरीके पता चलेंगे आइडियाज लिखने के, आइडियाज को सिक्योर करने के. तो कॉन्टेंट कंजम्पशन इज एज इम्पोर्टेंट एज कॉन्टेंट क्रिएशन, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो आपने बोला, वी ऑल हैव दोज लो मोमेंट्स. इवन 2 साल के बाद भी आई हैव माय, क्योंकि हमारा जब हमने इतना इम्प्रूव कर लिया, हमारे गोल्स बढ़ गए हैं, राइट? अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि आई पे यू $60 फॉर अ ब्लॉग, आई विल से आर यू मैड? ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट काइंड ऑफ पेमेंट राइट नाउ, ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस. तब वो अच्छा लगता था, बट अब नहीं लगता. व्हाई? बिकॉज आई नो आई हैव बेटर स्किल्स, आई हैव बेटर टूल्स, आई हैव बेटर रिसोर्सेज विद मी, जिनको मैं यूज करके आपको कॉन्टेंट प्रोड्यूस करके दे रही हूँ. तो वो जो लो मोमेंट आता है ना, उसका सिर्फ एक ही एंटीडोट है कि ठीक है, बुरा लगा, रो लिए, थोड़ी देर शांत बैठ गए, ओके नाउ गेट इट असाइड एंड गेट बैक टू वर्क. दैट्स दी ओनली सोल्यूशन. उसके बारे में सोच सोच के, उसके बारे में खुद को परेशान कर करके, देयर इज नो रिजल्ट. रोने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. कुछ मिलता तो मैं भी रोके बैठ के काम कर लेती, बट कुछ, देयर इज नो रिजल्ट आउट ऑफ इट, राइट? हाँ, वी आर ह्यूमंस, हमें बुरा लग रहा है, वी हैव टू एब्जॉर्ब दोज थिंग्स एंड वी हैव टू लेट इट आउट एज वेल, बट वी कैन नॉट अलाउ दोज नेगेटिव फीलिंग्स टू कंज्यूम अस एंड टू स्टॉप अस फ्रॉम मूविंग अहेड. दैट इज समथिंग दैट एक ऐसे बोलते हैं कि मोटिवेट, मोटिवेशनल टॉक्स लो, ये वो, बट द ट्रूथ इज, कितना भी मोटिवेट कर लो खुद को, कितना भी मोटिवेट हो लो दूसरों की बातों को सुनकर, रिजल्ट तभी मिलेगा जब काम करोगे. ओके, तो देयर इज नो एंटीडोट टू फीलिंग बैड. योर फीलिंग बैड, दैट्स नॉर्मल, दैट्स ह्यूमन, दैट व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, बिकॉज यू हैव इमोशंस. अच्छी बात है, आपको बुरा लग रहा है, बट वो जो नेगेटिव फीलिंग है ना खुद को लेके, कि यार मुझसे हो नहीं रहा है या मैं कर नहीं पाऊंगा, डोंट लेट इट कंज्यूम यू. बुरा लगा, ठीक है, मूव ऑन. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो किसी कंज्यूम कंटेंट, लाइक आई सेड, गो टू, अब तो देर आर सो मेनी राइटर्स हु आर टीचिंग सो गुड, यू नो, विद देयर एक्सपीरियंसेस. Follow them on Instagram, follow them on LinkedIn, consume their content, look at their videos, see what they're teaching, implement them. Most important thing. सिर्फ कंज्यूम करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो. ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बैठ के 2 वीडियोस देख लिए उसके बाद सो गए. ना, that's equal to doing nothing, right? So if you're consuming content, implement it as well. क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो देखी, इम्प्लीमेंट किया, तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएंगे. नहीं, हर कोई यहाँ पे, इंटरनेट इतनी अच्छी चीज है कि हर कोई यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है. डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना उस एक्सपीरियंस से लेके खुद पे ट्राई करते हो, उस यू नो, यू टेक दैट, टेक दोस स्टेप्स एंड देन यू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. आई ऑलवेज से दिस, हिट एंड ट्रायल, ओके, करते रहो चीजें, अलग अलग पता लग रही है ना, एज अ बिगिनर करो. क्योंकि मैं, मुझे पता है, शुरू के 6 महीने मुझे जिसकी जो बात अच्छी लगती थी मैं पकड़ के करती थी. लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये कर लो, मैंने किया. कोल्ड ईमेल भेज दो, मैंने किया. जो जो जिसका समझ में आया मैंने सब किया. बट अब आई फॉलो दोज थिंग्स कि 2 साल में मुझे पता लग गया कि दिस इज अ थिंग दैट वर्क्स फॉर मी एंड दिस इज अ थिंग्स दैट डजंट वर्क फॉर मी. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, ओके? और वो जो लो मोमेंट्स की बात रही, वो सबके साथ आते हैं. दैट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो. आप, यू कैन नॉट इग्नोर देम एंड ऑब्वियसली कैन नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस ऑलवेज. या एग्जैक्टली. सो आई लव दैट पॉइंट कि यू जस्ट हैव टू इंप्लीमेंट, बिकॉज कितना भी हम लो फील करें, कितना भी मोटिवेटेड फील करें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है. आपको रिजल्ट तभी आएंगे जब आप कुछ काम करोगे, आप तभी वहां पहुंचोगे जब आप चलना शुरू करोगे. सो इट इज ऑल अबाउट वर्किंग यस हार्ड. कि आपको बुरा लग रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से.
हाँ इसलिए हमें हमेशा फोकस करना है कि यार हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज द यस प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस आई हैव एवर लर्न्ड. एंड या सो व्हाट डू यू थिंक कि यू नो व्हाई वी शुड राइट इन स्पेसिफिक सेक्टर, बिकॉज आई हैव सीन योर कॉन्टेंट. आप एक वेलनेस राइटर हो, आपने मेंशन कर रखा है, तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लिखना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कंटेंट तो लिख रहे हैं, अच्छी कंटेंट भी लिख रहे हैं, बट उनका कंटेंट किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए नहीं होता है. वो कभी किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, कभी दूसरी चीज के बारे में लिख रहे हैं. तो कितना इम्पोर्टेंट है ये? बहुत सिंपल सी बात है. इफ यू वॉन्ट टू अर्न बेटर, यू हैव टू बिकम अ नीश स्पेसिफिक राइटर. जनरल राइटर रहोगे तो जनरल लोग मिलेंगे, स्पेसिफिक राइटर बनोगे तो स्पेसिफिक लोग मिलेंगे, एंड दे विल पे यू फॉर योर स्पेशलिटीज. Yeah. I'll give you a very मैंने ये एग्जाम्पल अपने किसी मेंटोर से, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ देम जो जिनसे मैंने सीखा है, राइट, ऑल थ्रू द वे, वेदर इट्स राइटिंग और इट्स जनरल सेल्फ हेल्प थिंग. तो गॉड फॉरबिडन आपकी फैमिली में इफ समवन सफर्स फ्रॉम अ स्ट्रोक, या फिर यू नो हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट इमेजिन कि ऐसा कोई सिचुएशन है, आप मार्केट में हो, आप कहीं पे भी हो, एंड समवन सफर्स फ्रॉम अ स्ट्रोक और अ हार्ट अटैक, आप उसको एमबीबीएस डॉक्टर के पास लेके जाओगे या कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे? ऑब्वियसली यू विल प्रेफर द पर्सन, राइट, यू विल प्रेफर द कार्डियोलॉजिस्ट, राइट. दैट्स द सेम कि अगर आप नीश स्पेसिफिक राइटर हो, तो जैसे मैं आई राइट अराउंड वेलनेस, so I see a lot of now अब क्या होता है, a lot of my clients come to me and they say that we were I have had conversations with 4 to 5 writers but none of them felt right for my project. Why? Because उनको मेरे project की knowledge ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है. अब आपके पास कोई क्लाइंट क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है ताकि वो अपना टाइम बचा सके और आप उनके लिए लिख के दे सको. बट अब ये सोचो कि वो आपके पास आ रहा है, उसके बाद भी अगर उसको 2 घंटे इस चीज में वेस्ट करने पड़ रहे हैं कि आपको सिखा रहा है कि वो चाहता क्या है आपसे, देन देयर इज नो पॉइंट कि वो आप पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं. जैसे आई रिसेंटली, जैसे मैंने बताया ना, जिस क्लाइंट ने बोला कि आपके रेट्स ज्यादा हैं बट आई एम विलिंग टू वर्क विद यू एंड लेट्स गो अहेड, ही वाज द सेम क्लाइंट हु टोल्ड मी कि मैंने गूगल पे सर्च किया फ्रीलांस वेलनेस राइटर एंड देन आई गॉट टू नो यू, मुझे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिली वहां से. सो देयर आर पीपल, सी देयर आर 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड. डू यू रियली थिंक कि आप जो करते हो वो कोई और नहीं करता होगा? ऑब्वियसली करते होंगे. सो बट फर्क कहाँ आता है कि जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से वो नहीं कर रहे होंगे. उन्होंने मुझे खुद बोला कि मैंने एजेंसी से बात करी, मैंने राइटर्स से बात करी, बट मुझे कोई भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा अपने काम के लिए जितना मुझे आपकी प्रोफाइल से आप अप्रोप्रिएट लगे. व्हाई? बिकॉज आई हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन फॉर माई सेल्फ. जितना भी काम कर रहे हो, मैं कह रही हूँ आप एक कॉन्टेंट पीस भी लिख रहे हो ना, हैव इट इन योर फीचर्ड सेक्शन ऑन लिंक्डइन. आपको खुद नहीं पता वो आपको कितना काम आएगा लॉन्ग रन में. सो That is why it is important to become a niche specific writer. क्योंकि जब आप अपने आपको एक particular topic से associate कर लेते हो ना, वो आपकी speciality बन जाता है. And then people pay you to write for your speciality. वो सिर्फ आपको लिखने के लिए pay नहीं करेंगे फिर, वो आपको experience के लिए, आपकी knowledge के लिए, जो आपने इतना सीखा है, जो आपने basically जितनी भी मेहनत करी है ना, वो आपको उस चीज के लिए pay करेंगे. It is not just for the writing, it is not just for the time you are you know giving to them. It is also about the experience you bring to the table. It is also about the knowledge you have. So it is about all of these things and not just about writing when you choose to become a niche specific writer. Ah, wow, this is crazy. So we just have to focus on the upgrading ourselves and doing ourselves better every single day, right? Yes. So yes. We are at the end of this podcast. So I just want you to summarize ki kya kya wo step by step process hai jisse hum ek content writer ban jate hain from you know zero to ek level up karne tak. Okay, so first things first, focus on your writing skills, focus on what you want to sell in the market. Okay, second thing, obviously, like I mentioned, your communication skills should be great. And another important thing is set up a LinkedIn profile and start creating content on LinkedIn. Shuru mein you can talk about anything, but as you start gaining traction, as you start attracting people, then move towards a particular niche. Okay. Another thing, very important. अगर आपको content writer बनना है तो जो publications होती है ना, online publications होती है, उनको pitch करो कि I want to write for you. मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से result मिल जाएगा,
मुझे 4 महीने में एक पब्लिकेशन मिली थी, 4 महीने पिच करने के बाद. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली यू नो पिच देम कि आई वॉन्ट टू राइट फॉर योर पब्लिकेशन. गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली, मैं गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रही हूँ. गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है कि वो आपको लिखने के लिए पे नहीं करते, आपको सिर्फ उनकी प्लेटफॉर्म पे लिखने के लिए जगह मिल जाती है. तो इससे क्या होता है, उसकी उन उस प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस है ना, वहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है. ठीक है, तो एंड देन यू उस तो गेस्ट पोस्ट करो अपने स्पेसिफिक नीश में, एंड अपग्रेड करो खुद को, कोर्सेज लो अगर लेने हैं तो, वरना यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उसको उससे सीखो. ठीक है, एंड फॉलो पीपल हु आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर पीपल हु आर ऑलरेडी देर, हु हैव ऑलरेडी डन व्हाट यू आर वांटिंग टू डू. सो उनसे सीखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, जैसे वो काम कर रहे हैं उस चीज से सीखो, एंड देन इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशन, इन योर यू नो एक्सपीरियंसेस. देन एज आई से, हिट एंड ट्रायल, डू द एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, एंड जस्ट स्टिक विद इट. दैट्स इट. So, I love this podcast, and you have shared how somebody can start and become hero in content writing. And yeah, this is something अगर मुझे public speaking के अगर मुझे एक content writer बनना होता तो I will watch this podcast and I will start implementing. So yeah, thank you so much, Shweta, for having this conversation. And it's a great pleasure to have you on my podcast. Thank you so much. Thank you, Rajan, and I wish you all the best. Thank you so much.